लालू यादव के लड़के होने के अलावा तेजस्वी यादव की कोई पहचान नहीं, प्रशांत किशोर का कहना है। चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं, भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मैंने, मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ? अगर वो लालू यादव के लड़के हैं ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान। हर सिद्धि पूर्वी चंपारण तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए प्रशांत बोले कि चाचा भतीजे में भतीजे की व्यक्तिगत पहचान केवल इतनी है कि वे लालू यादव के बेटे हैं। तेजस्वी यादव ने शिक्षा, खेलकूद या अन्य कोई सामाजिक कार्य या किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनका संज्ञान लिया जाए। जिस जंगल राज को खत्म करने के नाम पर नीतीश कुमार यहाँ काम कर रहे हैं, उसी को फिर पीछे के दरवाजे से घुसाने की कोशिश की जा रही है। चचा भतीजा का तो कोई गिनती है नहीं, भतीजा की पहचान क्या है? भतीजा तो लालू यादव के लड़के हैं। लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि आपकी टिप्पणी उनको लेकर क्या है, तो मैंने, मेरे लिए तेजस्वी यादव लालू यादव के लड़के हैं। इसके अलावा ऐसा कौन सा पराक्रम उन्होंने कर दिया है समाज में, ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी गतिविधि उनकी है जिसके लिए कि मैं उसका संज्ञान लूँ? अगर वो लालू यादव के लड़के हैं ये तो बात सच्चाई है, इसी वजह से वो डिप्टी सीएम है। ऐसा तो है नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में, सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में, किसी विधा में उन्होंने कुछ बहुत बड़ा काम किया हो समाज के लिए या किसी दूसरे स्तर पर जिसके संज्ञान लेने की जरूरत है। तो चचा भतीजा का कुछ नहीं है, ये तो चचा जो है वो भतीजे को चोर दरवाजे से वापस घुसाना चाह रहे हैं। और जिस जंगल राज का डर दिखाकर नीतीश कुमार पिछले कई सालों से यहाँ शासन कर रहे हैं, उसी जंगल राज को वापस पिछले दरवाजे से घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ भी कहीं ना कहीं उनके मन में यही है, वो ईमानदारी से उनके साथ भी, भतीजा के साथ भी नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूँ, वो ईमानदारी से उनके साथ भी नहीं है। वो सिर्फ ये स्थिति बनी रहे ताकि लोगों का वो डर रहे कि भैया जंगल राज वाले लोग ना आ जाए, तो चलिए नीतीश जी को ही, कम खराब को ही हम लोग स्वीकार कर ले। ये नीतीश जी की अपनी सोची समझी रणनीति है। वो आज महागठबंधन में है, साथ में उन्होंने भाजपा के साथ महा क्या की खिड़की भी खोल रखी है,